हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भक्ति में बाजार। नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 5 जुलाई फ्राइडे को यानी कि कल होने वाली। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियली परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि लोगों ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एंड इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में 8.87 लाख के प्रॉफिट पर था, 22 में ये थोड़ा सा लॉस में चला गया 0.98 लाख के लॉस में, लेकिन 23 में अपने प्रॉफिट को ग्रो करके फिर से 94.24 लाख को पहुंचाया और 9 महीने के अंदर ये अपने प्रॉफिट को और तेजी से ग्रो किया और ये फाइनली 340.4 लाख पर पहुंच चुका। तो यहाँ पर लगभग 4 साल के अंदर 8.87 लाख के प्रॉफिट को ग्रो करके 340.4 लाख को पहुंचाया, रेवेन्यू को भी शानदार ग्रो किया 183.26 लाख को रेवेन्यू को ग्रो करके 1989.60 लाख को पहुंचाया। एसेट 2021 में 112.84 लाख था जो 31 दिसंबर 2023 तक ग्रो करके 2029.85 लाख को पहुंच चुका। फाइनेंशियली बहुत ही ग्रो है। नेटवर्थ भी देखेंगे तो 2021 में 1.50 लाख का था जो 31 दिसंबर 2023 तक ग्रो करके 1392.32 लाख को पहुंचा। रिजर्व फंड सरप्लस 2021 में 0.50 लाख पर था जो 31 दिसंबर 2023 तक ग्रो करके 1332.81 लाख को पहुंच चुका। फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 41.57%, बहुत बढ़िया। आरओसी 36.56%, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 24.42%, पैट मार्जिन 17.22 है। तो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बात करें इसकी बिजनेस की तो 2014 के इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड एक कंप्रेहेंसिव ट्रीटमेंट सेंटर है जो कोलकाता में स्थित है और एक क्लिनिकल सर्विस भी प्रदान करती है और अलग तरीके के लोगों को, जैसे इसका मुख्य जो सर्विस है वो क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को सर्विस देना है और एवरी मंथ 900 क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को फिलहाल अभी सर्विस दे रही है। इसके पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस पैरामेडिकल्स, प्रोफेशनल एंड स्किल्ड मैनेजमेंट टीम है और 5 इसके पास परमानेंट डॉक्टर हैं, 10 विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं, 70 एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल प्रोफेशनल हैं। तो बहुत ही स्मार्टली तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। ये हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराती है जो मुख्य रूप से क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को देती है। इसके अलावा और भी इसके सर्विस है जैसे इन हाउस डायलिसिस यूनिट एंड नेक्स्ट आउट पेशेंट सर्विस इन एरिया ऑफ नेफ्रोलॉजी, डायबिटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इप्टिसिम एंड नेक्स्ट है एनएवीएल एक्रेडिटेड इन हाउस पैथोलॉजी, इन हाउस फार्मेसी, एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, रेनल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, होम केयर एंड मुक्ति लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम भी करती है एंड होम डायलिसिस की सर्विस प्रदान करती है। मुख्य रूप से एक क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को सर्विस देती है, इलाज करती है। इसके अलावा इसके पास अदर भी सर्विस है। तो बिजनेस यूनिक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और सब्सक्रिप्शन देखें तो लोगों ने पागल होकर के इस आईपीओ में पैसा बरसाया। बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन गया है, जमकर पैसा बरसा इस आईपीओ में। टोटल सब्सक्रिप्शन 715.78 गुना हुआ है एंड रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 634.12 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 1787.19 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 245.14 गुना, टोटल 715.78 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। लोगों ने बहुत ही शानदार रिस्पांस दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है क्योंकि बिजनेस यूनिक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो यहाँ पे इसकी जीएमपी 26 जून को 22.22% प्रीमियम के साथ 20 रुपये पर ओपन हुआ, 90 रुपये इसकी कट ऑफ प्राइस और 20 रुपये से बढ़कर अभी 175 रुपये को पहुंच चुकी है। एक कल के तारीख तक 235 रुपये पर था, आज थोड़ा सा डाउन हो चुकी है और कल ये 261.11% की बेनिफिट दे रही थी अनलिस्टेड मार्केट में, आज थोड़ा सा घट करके 194.44% पर पहुंच चुकी है। अनलिस्टेड मार्केट में 265 पर ट्रेड कर रही है। इसकी जीएमपी और भी ड्रो डाउन होती है, मे बी किसी जैसे अगर होती भी है, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस कर रही है, हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रदान कर रही है, खास करके ये
क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को एवरी मंथ 900 ऐसे 900 क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट है उनको इस सर्विस प्रदान कर रही है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, यूनिक बिजनेस होने के साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसकी जीएमपी में डाउनफॉल होना नहीं चाहिए, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, 715.78 गुना सब्सक्राइब भी हुआ। तो जीएमपी ऐसा डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से अगर जीएमपी डाउन भी होती है तो 25% से ज्यादा और जीएमपी डाउन नहीं होना चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग है 170% हो सकती है, अधिकतम की बात करें तो मोर देन 3x यहाँ पर रिटर्न्स मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। बिजनेस मॉडल यूनिक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो लिस्टिंग गेन, एक अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलने का चांस है, मोर देन 3x का भी रिटर्न दे सकता है। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं, जिस समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।